क्या भविष्य में चाइना होगा विश्व की सुपर पावर कंट्री? दोस्तों, एक वक्त था जब आज के समय के चाइना के पास ढंग का खाना तक नहीं नसीब होता था, लेकिन आज के समय में चाइना कहाँ है ये तो आप देख ही रहे होंगे। और चाइना इकोनॉमी के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, और चाइना ने ये डेवलपमेंट सिर्फ 30 से 35 सालों के अंदर किया है। और आज के समय में देखा जाए तो कई मामलों में चाइना विश्व की सुपर पावर कंट्री अमेरिका को पीछे करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाइना के डेवलपमेंट के पीछे का स्ट्रगल और चाइना के आने वाले फ्यूचर के कुछ प्रेडिक्शन के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल द लॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि चाइना से संबंधित लोगों को भारत में चीनी बुलाते हैं, लेकिन दोस्तों चीनी नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी पुरानी और रोचक है। कहा जाता है कि भारत में पहली बार चीनी एक चाइनीज की वजह से आई थी, इसीलिए हमारे भारत में चाइना के लोगों को चीनी भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, चाइना के लोग अपने देश चाइना नहीं कहते हैं बल्कि चिंगियो कहकर बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है बीच में राज करना। और दोस्तों, ये नाम चाइना की प्राचीनता को दर्शाता है, क्योंकि कई हजारों साल पहले भी चाइना पृथ्वी के नक्शे में मिडिल में हुआ करता था, और यही कारण है कि चाइना में चाइना को चिंगू कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, नक्शे में देखा जाए तो चाइना भारत से बिल्कुल चिपका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना की लगभग 85% आबादी बॉर्डर से काफी दूर बसती है। दोस्तों, वैसे तो चाइना प्राचीन समय से काफी संपन्न हुआ करता, लेकिन 1839 में ब्रिटिशों ने यहाँ पर अफीम का कारोबार शुरू कर दिया और इसकी वजह से पूरा चाइना अफीम का नशा करने लगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सिंगापुर में हुआ था। और दोस्तों, अगर आपने सिंगापुर के डेवलपमेंट से संबंधित वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल को जरूर चेकआउट करें। दोस्तों, अफीम का नशा करने के कारण वहाँ की इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी और ब्रिटिशों ने भी इसका खूब फायदा उठाया। ब्रिटिशों ने चाइनीज लोगों के फाइनेंस को अपने हक में करवा लिया, और यही नहीं, उस समय चाइना एक और ग्लोबल समस्या से जूझ रहा था और वो थी वर्ल्ड वॉर 2। जी हाँ दोस्तों, चाइना उस समय वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन कमजोर इकोनॉमी की वजह से इस युद्ध में चाइना को अपने 30 मिलियन लोगों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन एलाइड फोर्स की वजह से चाइना इस वार को जीत जाता है, लेकिन वार के बाद चाइना को अपने ही देश के लोगों के बीच हो रहे सिविल वार को झेलना पड़ता है, और ये सिविल वार भी चाइना की दो अपने ही संघ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलशिप पार्टी KMT के बीच होती है। और इस वार में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जीत होती है और दूसरी पार्टी हारकर एक आइलैंड पर बस जाती है, जिसे वर्तमान समय में हम ताइवान के नाम से भी जानते हैं। और इन सब के बाद चाइना की बागडोर आती है माओ ज़ेडुंग के हाथ में, और दोस्तों फाइनली 1 अक्टूबर 1949 को ये देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। यही वो समय है जब चाइना बिल्ड होने के लिए तैयार था, और माओ ने सबसे पहले एग्रीकल्चर पर जोर दिया और उन्होंने उस समय वहाँ के किसानों के लिए काफ़ी चीज़ें आसान और उपलब्ध करवाई, लेकिन ये सब उन्होंने सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए किया। लेकिन किस्मत शायद चाइना के साथ नहीं थी, क्योंकि दोस्तों 1963 तक खराब मौसम और मानसून और माओ की कुछ पॉलिसीज की वजह से वहाँ अनाज की बड़ी तंगी हुई, जिसकी वजह से चाइना में भूखमरी फैल गई और इस भूखमरी में लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। और दोस्तों इतना ही नहीं, माओ की सरकार में लोगों को ना जाने क्या क्या सहना पड़ा और चाइना की स्थिति हद से ज़्यादा खराब हो जाती। और दोस्तों अंत में माओ की मृत्यु 1971 में हो जाती है, और माओ की मृत्यु के बाद फादर ऑफ मॉडर्न चाइना यानी डिंग जाओपिंग का रूल चाइना में आता है, और इनकी शासन में इन्होंने अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया और इन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत ही अच्छे बदलाव किए। उन्होंने ये पॉलिसी बनाई जिसमें किसान अपनी मर्जी से कोई भी फसल उगा सकते थे, लेकिन अपनी फसल का एक निश्चित हिस्सा सरकार को देकर बाकी की फसल को वो चाहे जहाँ बेच सकते थे। और ये पॉलिसी किसानों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि माओ के शासन में किसानों को अपनी फसल का 85% अनाज सरकार को देना पड़ता था, और सेम यही पॉलिसी डिंग ने अपनी फैक्ट्री मैनेजमेंट पर लागू की थी, जिससे फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को जिम्मेदारी एक ओनरशिप की तरह ही थी। इससे मजदूर उत्साहित होकर अपना 100% अपने काम को देने लगे, और डिंग ये पॉलिसी बड़ी कारगर साबित हुई। और अब डिंग ने एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दिया और साथ ही टेक्नोलॉजी शिक्षा व्यवस्था पर भी जोर दिया। इसके बाद चाइना ने अपनी एक सेना तैयार की, जिसे आज के समय में हम मुक्ति सेना
सेना चीन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद चाइना ने फॉरेन कंपनीज को अपने देश में आने का मौका दिया, जिससे चाइना और डेवलप हुआ। और देखते ही देखते चाइना में बिल्ड बिल्डिंगों की तरह ही चाइना की ऊंचाई हम देख ही सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।